तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो फर्स्ट मेरिट आने के बाद 2023 से 2025 सेशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो फिलहाल इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ ANS कॉलेज यानी कि अनुग्रह नारायण स्मारक कॉलेज नबी नगर औरंगाबाद बिहार का। इस कॉलेज का मैं इंटर में एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा कि इंटर में एडमिशन ऑनलाइन कैसे लेना है। जैसे IAS हो, जो भी आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कैटेगरी के अनुसार अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। मेरिट लिस्ट में नाम होगा तो आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सारा प्रोसेस दिखा दूँ कि ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए मोबाइल का या तो लैपटॉप का जिससे आप कर रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर पेज ऐसा आएगा, यहाँ पर सर्च कीजिएगा ANS कॉलेज नबी नगर, ये वाला पेज ओपन कीजिएगा। यहाँ से भी आ सकते हैं लेकिन यहाँ आपको बेटर रहेगा, मैं आपको प्रोसेस बाई प्रोसेस बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा आपका ऐसा कुछ जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके बाद फिर आपको जो यहाँ पर ऐसे देखने को मिल जाएगा पूरी तरह से 100% यहाँ पर आपको शो होगा। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर लिखा है इम्पोर्टेंट लिंक। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक सारा दिया गया है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पर आइएगा, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पेज आपको ऑनलाइन जो पोर्टल का है ओपन हो जाएगा, ये वाला ये पेज आपको डायरेक्ट ओपन होगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे डाल दूंगा जहाँ से आपको आसानी पड़ेगा आपको इस लिंक पर आने के लिए। इंटरमीडिएट एडमिशन, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा यहाँ पर न्यू प्रोसेस का। यहाँ पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर फिलअप करना है, इस तरह से, ये वाला रेफरेंस नंबर ऐसे होगा ना, इस तरह से आप फिलअप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एकेडमिक ईयर फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर सर्च कीजिएगा। फिलअप करने के बाद आपको पेज यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर अलॉटमेंट यूनिक नंबर, नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर प्रोग्राम नेम आपका रहेगा, एडमिशन, क्लिक हेयर फॉर एडमिशन क्लिक कीजिए। यहाँ पर पेज आपका ओपन होगा जो आपको डिटेल्स फिल करना होगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स में आपको पहले यहाँ पर नाम रहेगा अवेलेबल केवल, इसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम डाल लेना है, माताजी का नाम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिएगा। यहाँ पर आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आप रिलीजन होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोला जाता है उसको डालिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप दिव्यांग होंगे तो इसमें से सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो नोट एप्लीकेबल पर आने दीजिएगा। यहाँ पर अल्पसंख्यक वाले यस करें, नहीं तो छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है, इसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपका मूल राज्य, आप कौन सी राज्य निवासी हैं, तो बिहार के हैं तो बिहार क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना होगा, डोमिसाइल जिसको कहा जाता है, जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है, जिसको आप रेसिडेंस के नाम से जानते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको निवास प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पर डालना है जो BRCCO से स्टार्टिंग हुआ। इसके बाद यहाँ पर आधार वाला पर यस करना है, यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर लेना है आपको। इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना है सारा। इसके बाद यहाँ पर स्टेट का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम इसे यहाँ से टाइप कीजिएगा, यहाँ पर पिन कोड टाइप कीजिएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर जो दिया गया है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लीजिएगा, नीचे आइएगा। और इसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट का सेक्शन दिया हुआ है सारा डिटेल। यहाँ पर आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट पहले चूज करना है। इलेक्टिव सब्जेक्ट में PCM होता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी, इन चारों में से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना तो फिजिक्स पहले, इसके बाद केमिस्ट्री लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आता है दो, यहाँ पर दो सेलेक्ट इधर कर लीजिएगा तो यहाँ पर दो ही केवल सेलेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर बायोलॉजी या तो मैथ। आप अगर बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बायोलॉजी सेलेक्ट कीजिएगा, और मैथ अगर एक्स्ट्रा में लीजिएगा तो यहाँ पर एडिशनल में जाइएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप अगर मैथ लेते हैं, अगर आपको बायोलॉजी एक्स्ट्रा में रखना है तो यहाँ पर बायोलॉजी एक्स्ट्रा में रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट दो होता है, हिंदी एंड इंग्लिश, तो कंपलसरी सब्जेक्ट में आप अपने अनुसार चूज कीजिएगा यहाँ से। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इंग्लिश पहले, इसके बाद यहाँ पर आप जो भी रखना चाहते हैं इसमें से, जैसे यहाँ पर मगही, हिंदी, इंग्लिश, जो भी, जो इंग्लिश तो यहाँ सेलेक्ट कर चुके हैं, इंग्लिश के अलावा यहाँ पर जो जो सब्जेक्ट है इसमें से आप कोई भी अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। चलिए मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, एडिशनल के बारे में आपको बता दिया, अगर एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं इनमें से कोई भी। इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको उत्तीर्ण का ईयर दिया हुआ है, यानी कि मैट्रिक कब पास किए हैं, इसके अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर कौन सा बोर्ड से पास किए, बिहार बोर्ड से होंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना। इसके बाद यहाँ पर सारे डिटेल आपको फिलअप किया हुआ पहले से। इसके बाद यहाँ पर 10th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसको औपबंधिक प्रमाण पत्र कहा जाता है।
तो यहाँ पर औपबंधिक प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, अगर मार्कशीट मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो आपको इंटरनेट वाला जो डाउनलोड किया होंगे उसी को अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर SLC आपको डालना है, यानी SLC कहने का मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी विद्यालय परित्याग पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर बैंक डिटेल दिया है, बैंक डिटेल यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। बैंक डिटेल अगर अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम यानी कि आपके नाम से अकाउंट है तो आप अपना नाम डाल लीजिएगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर डालिएगा, दोबारा से अकाउंट नंबर डालिएगा, IFSC कोड डालिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर बैंक का नाम सिलेक्ट कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे फोटो यहाँ पर अपलोड कीजिएगा, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, यहाँ पर आपको इंटीमेशन लेटर जो आपको जो एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे जिससे मेरिट लिस्ट आप चेक किए हैं, मेरिट लिस्ट चेक करने के बाद जो नाम आया है इंटीमेशन लेटर वाला इसको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कन्फर्मेशन देना है, डिक्लेरेशन, इसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो चलिए मैं आपको सारा कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, एक बार पहले प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू मिला लीजिएगा, इसके बाद पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको कॉलेज में जाकर सारा डॉक्यूमेंट लगाकर वेरिफिकेशन करा लेना है, जैसे जाति, निवास, आय, जो भी है आप अपने अनुसार जो इसमें डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको लगाकर आपको जमा कर देना है, कॉलेज में वेरिफिकेशन करा लेना है, आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मन में और भी कहीं भी सवाल आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।